दुकानदार ने मुझे एक दिन भले आदमी के रूप में उदाहरण दिया। मैं उदाहरण बनने से बहुत डरता हूं भाई। अच्छा उदाहरण बन जाने पर आदमी अच्छाई का गुलाम बन जाता है और लोग उसे मुंह में पान के पत्ते की तरह रखकर आराम से चूसते रहते। मैं अच्छा उदाहरण बनकर नहीं जीना चाहता हूं भाई। कोई बुराई करता है तो संतोष मिलता है, कोई तारीफ करता है तो डर लगता है, कोई मुंह पर तारीफ करता है तो पूछ लेता हूं कौन सी बेवकूफी करूं भाई। तारीफ करके आदमी से कोई भी गलती कराई जा सकती। दुकानदार ने मुझे भला आदमी कहा, मैंने समझा। दुकानदार ने मुझे भला आदमी कहा, मैं चिंतित हो गया। मैं उसकी दुकान से हर महीने उधार सामान लेता हूं, जो भी बिल देता है बिना हिसाब के मैं चुका देता हूं। हिसाब में देखना मेरा देवत्व तो नहीं है, मेरा आलस है। और मेरा आलस भलमानस इसका पता मुझे तब चला जब दुकानदार एक दिन किसी ग्राहक से झगड़ रहा था। आपसे हमारा व्यवहार ही नहीं होगा, 20-20 रुपए के लिए चिक-चिक करता है क्या भाई? हाँ व्यवहार 20 रुपया को हिसाब में होते रहता है भाई। ये देखो परसाई बेचारे कितने भले आदमी, इनको मैं जो भी बिल देता हूँ बिना हिसाब के चुका देते हैं। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैं भला आदमी नहीं हूँ भाई, देना भूल जाता हूँ लेना नहीं भूलता। भला हूँ क्योंकि आलसी, बुरा होने के लिए आदमी को हाथ पांव चलाना पड़ता है। मैंने भी बुरा बनने की ठान ली और घर जाके दिमाग की बत्ती की लौ तेज की। पता किया, इस दुकानदार ने मुझे 1,000 रुपए बढ़ाकर बिल में दिए। बाजार का एक अदना सा दुकानदार मुझे भला आदमी कहे, इसके लिए मुझे साल के 12,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। 20 साल तक मुझे भला आदमी कहे, मुझे 3,60,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। पूरा बाजार मुझे भला आदमी कहे, मेरे काम में नहीं लुटानी पड़ेगी। Popcorn with Parsai, popcorn with Parsai, popcorn with Parsai। अंग्रेजी शासक हमले को सभ्यता का प्रसार कहते हैं, बम बरसता है तो कहते हैं सभ्यता बरस। चीन में लड़कों के हुलड़ को सांस्कृतिक क्रांति कहते हैं, पिटने वाला सोचता है कि हम सुसांस्कृत हो गए। और हमारा भारत महान, यहाँ कोई मार कर पीट कर पैसे छीन ले, रंगदारी का टैक्स मांगे तो हम दाम का मंत्र पढ़ने लगते हैं। ऐसे लोग हमारे देश में बढ़ गए हैं जो पानी को छान कर पीते हैं, आदमी का खून बिना छाने पी जाते हैं। पत्नी वो चौपाया प्राणी है जिसके दो ही पैर दिखते हैं। ये प्रजाति पूरे विश्व में पाई जाती है, भारत में इसे धर्मपत्नी, सौभाग्यवती, लक्ष्मी आदि नामों से भी जाना जाता है। प्राचीन भारत में ये भोजनशाला में पाई जाती थी, वर्तमान में ये शॉपिंग मॉल, थिएटर और रेस्टोरेंट में पाई जाती है। बिल्ली जैसे चूहे को पकड़ती है वैसे ही अपने पति को पकड़ती है। चूहे अपनी चिचिहाट चाहे कितना भी उत्कृष्ट साहित्य पैदा करे, बिल्ली पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही पति अपनी चीची से चाहे कितनी भी वेदना भरे, पत्नी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी बोलना, झगड़ना, वाय करना इसके मुख्य लक्षणों में से एक है। ऐसे पूरे लक्षणों का अध्ययन करना संभव नहीं है। अरे ये सुशील सहनशील पाई जाती, लेकिन अब आक्रमक शैली और तेज प्रहार के लिए जानी जाती। समय आने पर बेलन झाड़ू और चरण पादुका का इस्तेमाल भी करते। इनका अधिकतर सामना सास नामक एक और प्राणी से होता। इनका मुख्य आहार है पति नामक साइलेंट प्राणी। भारत जैसे गरीब देश में यह प्रजाति चिंता का विषय है। क्रेडिट कार्ड रखना, बिना सोचे समझे खर्च करना, बिना जरूरत वस्तुएं खरीदना इनकी मुख्य आदतों में से है। पहले इस प्राणी के सुंदर मुख होते थे, लंबे बाल होते थे, पूरे वस्त्र होते थे, लेकिन अब छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे वस्त्र और कृत्रिम श्वेत मुख रक्त के समान लाल होते। नकली प्रजाति से तुम्हारा सामना हुआ परसाई तो है काम। नकली प्रजाति हाँ, एक
घरों में रहती हैं तो आईने के साथ चिपकी रहती हैं, घरों के बाहर जाती हैं तो पर्स से आईना निकाल कर बाहर बाहर देखती रहती है। रामवंश साड़ी मोटरकार के लिए कुछ देर तो उनको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। परसाई मेरी मान तो शादी का लड्डू ना खाकर पछताना बेहतर होगा। मक्के की बहुत आलोचना की, उसे मोटा अनाज कहा गया, दरिद्रों का अनाज कहा गया, बहुत निंदा की। मक्का चुप रहा, कहा मुझे दम है दिखा दूंगा। उसने सबसे पहले दूध सा स्वाद लेकर भुट्टा बनकर बाजार में आया तो हलचल मचा दी, पॉपकॉर्न बनकर शॉपिंग मॉल तक पहुंचा तो सबकी आंखें चौंधी आ गई। स्वाद की बात आई तो चावल की बिरयानी और गेहूं की तंदूरी देखी दिख गई। गर्व से कहा, किसान का बेटा, जैसा दिखता हूं वैसा बिकता हूं, आप मेरे साथ मुर्गा मलाई से सलूक नहीं कर सकते। मेरी बहुत बुराई की गई, मेरी बहुत निंदा को मैं बुरा नहीं मानता, निंदा अपना और सामने वाले का मनोरंजन करती है। सोचो यही निंदा अगर गंगा के घाट पर बैठकर किया जाए तो क्या निंदा में विटामिन और प्रोटीन होती है भाई, निंदा पाचन क्रिया ठीक करती, निंदा खून साफ करती, निंदा बल और स्फूर्ति देती है भाई, निंदा तो पाइलिया का सदिया इलाज। यहाँ पे कोई डॉक्टर बैठा है तो रिसर्च कर ले कि कौन सी निंदा में कितने विटामिन और कितने प्रोटीन होते हैं। निंदा का नियमित रूप से किया जाए तो मांसपेशियां पुष्ट हो जाए। मेरा मानना है कि स्त्री संबंधी निंदा में अधिक मात्रा में विटामिन होती है और शराब संबंधी निंदा में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। निंदा में जो सुख है जीवन की किसी भी रचना में सुख नहीं। कविता लिख लो, निंदा के संदर्भ में एक स्वस्थ सज्जन एक दिन मेरे पास आए। वो रमेश है, रमेश दादू पी का मैंने ढाई ली। फिर बोले, अरे वो रमेश है ना रमेश, दारू पीता है दारू। निंदा में अगर उत्साह ना दिखाओ तो करने वाले को जूता सा लगता है। ये बात तीन बार कह चुके थे और कुछ जूते लगते। अब मुझे दया आ गई, मैं थोड़ा पोलाइट। मैंने कहा देखो, वेद में भी सोमरस की स्तुति में 62 मंत्र हैं। सोमरस को ईश्वर और पिता कहा गया है। चेतना को जागृत करने के लिए ऋषि मुनि भी मादक द्रव्य का उपयोग करते थे। पर अब वो शराब से स्त्री संबंधी निंदा पर आ गए। पर सही वो तेरे को मालूम है जो नाके पे निकलती? मैंने कहा कौन? अरे जो बंद ठन के निकलती है यार। क्या हुआ? अरे उसके अनैतिक संबंध है। तो बहुत बुरी बात है ना? बुरी बात? मैंने कहा बुरी बात यह है कि उस स्त्री से आपके संबंध नहीं है। पॉपकॉर्न विद परसाई।